भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ 27 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। अक्टूबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में ये उपचुनाव हो सकते हैं। विधानसभा की 27 सीटों पर 2225 बूथ बढ़ेंगे। एक हफ्ते में गाइडलाइन आ सकती है। 18 जिलों के कलेक्टर ने सहमति जता ली है। चुनाव आयोग तैयारियों में जुट गया है। तो 27 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तैयारियां मध्य प्रदेश में तेज हो गई हैं। अक्टूबर में उपचुनाव की तैयारियां हो रही हैं। एक हफ्ते में गाइडलाइंस भी जारी हो सकती हैं। 18 जिलों के कलेक्टर ने सहमति जता ली है। चुनाव आयोग तैयारियों में जुट गया है। विशेष संवाददाता विजय मांडके हमारे साथ अधिक अपडेट्स के लिए जुड़ चुके हैं। विजय, अब अक्टूबर में उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और उस लिहाज से चुनाव आयोग भी अब तैयारियों में जुट गया है। क्या अपडेट्स हैं इस पूरे मामले में? देखिए करिश्मा, बिहार विधानसभा के साथ उपचुनाव हो सकते हैं जैसे पहले भी कयास लग रहे थे, और इसी वजह से चुनाव आयोग ने पिछले हफ्ते जहां जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनके मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी थी, और रिपोर्ट में इस बात का जिक्र करने के लिए कहा था कि चूंकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिन जिलों में चुनाव हो रहे हैं, जिन विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, वहाँ कैसे इंतजाम किए जा सकते हैं और इंतजाम क्या ठीक तरीके से हो सकते हैं, तमाम सारे रिपोर्ट्स में इसका जिक्र करना था। रिपोर्ट बन रही है और मध्य प्रदेश के जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं वो भी अपने रिपोर्ट सबमिट करेंगे, और उन्होंने पहले जिलों से जो जिला कलेक्टर थे, जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, उनसे रिपोर्ट मांगी थी कि क्या उनके जिलों में जिन जिन सीटों पर चुनाव होने हैं वहां पर अभी स्थिति चुनाव करवाने लायक है, जैसे कि चुनाव आयोग ने मांगा है, रिपोर्ट मांगी है। तो उसके बाद जिला कलेक्टरों ने अपनी रिपोर्ट दी है और कहा यही जा रहा है कि जिला कलेक्टरों ने सहमति दी है कि चुनाव हो सकते हैं उन सीटों पर। तो अब ये बिल्कुल तय है कि चूंकि बिहार विधानसभा के चुनाव ज्यादा पोस्टपोन नहीं किए जा सकते और इस मसले को लेकर चुनाव आयोग पहले भी कह चुका है, इसी वजह से इन राज्यों में भी उपचुनाव हो सकते हैं और मध्य प्रदेश में भी हो सकते हैं उपचुनाव। तो अब अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में, और करिश्मा जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियां अचानक शुरू हुई है उससे भी ये बिल्कुल समझा जा सकता है कि सभी राजनीतिक दलों को ये मैसेज है कि कभी भी अधिसूचना जारी हो सकती है चुनाव की। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 27 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। चुनाव आयोग तैयारियों में जुटा हुआ है। राजनीतिक गतिविधियां भी काफी ज्यादा तेज दिखाई दे रही हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव के साथ मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो सकते हैं, पहले ये कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब 18 जिलों के कलेक्टर ने सहमति जता ली है। तो यही अब माना जा रहा है कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में उपचुनाव होंगे।